वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, किस दिन स्नान दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा। तो आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि व्रत महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा तिथि का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, भगवान सत्य नारायण का पूजन करना, चंद्र देवता का पूजन करना, मंदिरों में तीर्थों में दीप आदि का दान करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व है। लेकिन वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि का जो कि अपना विशेष महत्व माना गया है, इस तिथि को जो कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था। और खासकर जो कि हिंदू धर्म में वैशाख माह का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है और जो भी वैशाख मास में स्नान करते हैं उनका वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि वैशाख स्नान व्रत पूर्ण माना जाता है, और इस तिथि के दिन जो कि विशेषकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, तिलो आदि का दान करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन जो कि धर्मराज के निमित्त पूजन किए जाते हैं, जल पूर्ण कलश और पकवान देने से गोदान के समान फलों की प्राप्ति होती है। यदि 5 या 7 ब्राह्मणों को शर्करा सहित तिल दें तो सब पापों का नाश हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन शुद्ध भूमि पर तिल फैलाकर उस पर पूंछ और सिंगों सहित काले मृग का चर्म बिछा करके और उसे सब प्रकार के वस्त्रों सहित दान करें तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि तिलों के जल से स्नान करके घी चीनी और तिलों से भरा हुआ पात्र विष्णु भगवान को निवेदित करे और उन्हीं से अग्नि में आहुति दे अथवा तिल और शहद का दान करे, तिल के तेल का दीपक जलावे, जल और तिलों का तर्पण करे अथवा गंगा आदि में स्नान करे तो सब पापों से निवृत्त हो जाते हैं। यदि इस दिन एक समय भोजन करके पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाए, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया जाए, चंद्र देवता का पूजन किया जाए अथवा भगवान सत्य नारायण का पूजन करे, व्रत को धारण करे तो सब प्रकार के सुख संपदा और श्रेय की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। जो गंगा नदी में स्नान न कर पाए तो घर पे नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करे और वरुण देवता आदि का स्मरण करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और जो भी व्रत को रखने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत जो कि चंद्रोदय व्यापनी, इस व्रत को धारण किया जाता है। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके अक्षत चंदन पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें, अपने इष्ट देवता कुल देवता आदि का पूजन करें। जो भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं तो विशेषकर सत्यनारायण का पूजन जो कि किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन खासकर अगर पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत रखा जाए तो अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान सत्य नारायण का पूजन जो कि कली काल में बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है, यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है और भगवान सत्य नारायण की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जहाँ तक हो सके पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा का दिन, इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान बुद्ध के अवतरण के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध ने लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखलाया। वैशाख की पूर्णिमा को ही बुद्ध का निर्वाण हुआ था। भगवान बुद्ध के अनुयायी इस दिवस को जो कि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं
और भगवान बुद्ध जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो इस दिन जहाँ तक हो सके व्रत पूजन आदि का कार्य करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, मंदिरों में तीर्थों आदि जगहों पर जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए और इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करके कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा वर्ष 2023 में व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, किस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 4 मई 2023 दिन गुरुवार रात्रि 11:45 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति जो कि 5 मई 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 11:04। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार जो पूर्णिमा तिथि के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 5 मई 2023 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं या गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं, वो सभी 5 मई 2023 दिन शुक्रवार को इन सभी कार्यों को करेंगे, व्रत धारण करेंगे। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें और फिर चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रोदय का जो समय होगा 5 मई को, वह समय शाम 6:17 और चंद्रास्त सुबह 4:52। तो शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें, फिर अक्षत चंदन पुष्प धूप दीप आदि से चंद्र देवता का पूजन करें। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा जो कि अपने पूर्ण रूप में होते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जहाँ तक हो सके इस दिन दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्योदय का समय जो कि सुबह 5:20 और सूर्यास्त शाम 6:30। राहु काल का जो समय होगा 5 मई को, वह समय सुबह 10:16 से सुबह 11:55 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। पूर्णिमा तिथि के दिन 5 मई को योग जो कि सिद्धि योग सुबह 9:15 तक होगा, उसके बाद व्यतिपात योग। नक्षत्र जो कि स्वाति नक्षत्र रात्रि 9:39 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, दान पुण्यों का कार्य करें, मंदिरों में तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करें, तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।